अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अफाक और एमएस वर्ड की आज इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास पिछली क्लास में हमने मेलिंग्स टैब को देखा था, रेफरेंसेस भी डिस्कस कर चुके हैं, मेलिंग्स भी देख चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रिव्यू टैब को। रिव्यू टैब को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पे हमारे पास देखें न्यू कमेंट्स, प्रीवियस कमेंट्स, इनके ऑप्शंस हैं, ये मैं आपको इधर डिस्कस करके बता दूंगा। लेकिन ये चीज़ हम अगर आप इंसर्ट में आए तो यहाँ पे भी हम कमेंट्स में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। लेकिन इस चीज़ को मैं खैर एक दफ़ा दोबारा रिकॉल करा दूंगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक है, थीसॉरस है एंड वर्ड काउंट है। सिमिलरली हमारे पास जो रिव्यू टैब में सबसे एक फिजिबल ऑप्शन और एक जबरदस्त ऑप्शन है, दैट इज ट्रैक चेंजेस। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक देख लेते हैं। तो अगर आप रेंडमली यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, कि ही आर अ बॉय, अगर आपने ऐसे देख दिया, ठीक है, और आप इसे ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं और स्पेलिंग एंड ग्रामर करते हैं, तो ये आपको ग्रामेटिकली आपकी मिस्टेक बताएगा। देखें यहाँ पे क्या आना चाहिए था, इज आना चाहिए था, जबकि मैंने क्या लिखा, आर लिखा। और आपको ये जो ब्लू लाइन नजर आ रही है, ये आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है वो आइडेंटिफाई करता है ये, राइट। मतलब ये क्या विजुअलाइज कर रहा है, आपको क्या दिखा रहा है कि आपने यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक की है, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ दे इज प्लेइंग, ठीक है। लेट सपोज ये सेंटेंस गलत है, मुझे पता है, आप इसे सिलेक्ट करें यहाँ से और स्पेलिंग एंड ग्रामर में आए, यहाँ पे आए, तो देखें ये आपको क्या यहाँ पे शो कर रहा है, आर आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से आप चेंज कर दें तो ये प्रॉपरली चेंज हो जाएगा, राइट। सी दिस, पहले दे इज प्लेइंग था, अब दे आर प्लेइंग हो चुका है, राइट। इस तरीके से आप कोई स्पेलिंग अगर गलत लिखते हैं तो आप यहाँ से स्पेलिंग भी करेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज आपने ऐसे लिखा, ठीक है, और आप इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से स्पेलिंग एंड ग्रामर में आते हैं, ठीक है। तो देखें ग्लास, अब मैंने जी एल ए और एस 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 आगे करके लिख दिया, तो अब इससे मुतल्लिक कितने वर्ड्स बन सकते हैं, ग्लासी बन सकता है, ग्लास बन सकता है, ग्लासेस बन सकता है, ठीक है, मुख्तलिफ नोटेशंस उसने बताए। लेट से मुझे ग्लास चाहिए था, मैं ग्लास क्लिक करके और चेंज पे क्लिक करता हूँ, तो देखें चेंज हो गया। अब लेट सपोज यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया ग्लास, ठीक है। लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया जी एल ए एस 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 एस, ठीक है, और ये मैंने लेट सपोज कॉपी किया और एक दो तीन चार दफ़ा लिख दिया, लेट सपोज, ठीक है, यहाँ पे मैंने चार पांच दफ़ा लिख दिया, ठीक है। अब आप यहाँ से इस सारे को सिलेक्ट करके, बल्कि यहाँ से स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक में अगर आप आएँ, ठीक है, तो देखिए उसने ऑटोमेटिकली पिक कर दिया कि आपको ग्लास चाहिए या ग्लास लिखना है। लेट से मुझे ग्लासेस लिखना है, अगर आप चेंज ऑल कर देंगे तो सारे के सारे आपके जो हैं वो क्या हो जाएंगे, ग्लासेस बन जाएंगे। सीधे आप चेंज ऑल पे क्लिक करते जाएं, सारे के सारे क्या बन चुके हैं, आपके ग्लासेस बन चुके हैं, राइट। इसी तरीके से आपके पास थीसॉरस है। थीसॉरस क्या चीज़ है, थीसॉरस आपके पास एक डिक्शनरी है जो कि जिसके अंदर आप अपने वर्ड्स को सर्च कर सकते हैं। अगर आप क्लिक करें यहाँ पे थीसॉरस में और कुछ भी सर्च करें, ठीक है, कोई भी वर्ड सर्च करें, लेट से कंपेलिंग सर्च कर लें, एंटर करें, तो देखें आपको तमाम तरह उसके वर्ड्स यहाँ पे शो करेगा। लेट से मैंने यहाँ पे फोर्स लिख दिया, फोर्स वर्ड, तो देखें फोर्स बता रहा है, पावर बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से डिक्शनरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे ये आपके पास जो ऑप्शंस है, ये लैंग्वेजेस के ऑप्शंस है, इसमें अगर आप ट्रांसलेट पे आते हैं तो ये आपके पास लिखा हुआ है। लेट सपोज यहाँ पे आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, अच्छा इसमें देखें यहाँ पे आप ये ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक ना करें क्योंकि आपको ये एक अलग ब्राउजर के ऊपर ले जाएगा अगर आप इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करें ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, इसका फायदा है, फायदा क्या है कि ही इज अ बॉय। लेट सपोज मैंने एक सेंटेंस लिखा और मैंने इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है, तो आप इसको सिलेक्ट करें, ट्रांसलेट पे क्लिक करें और यहाँ से ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट पे आ जाए। तो देखें यहाँ पे ही इज अ बॉय, आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, मेरा भी इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है तो इस वजह से यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा। आप इंटरनेट कनेक्ट करके इसको यूज करें तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली इसकी ट्रांसलेशन शो करेगा। लेकिन मेक श्योर कि आपके लैपटॉप के अंदर भी देखें लैंग्वेजेस इंस्टॉल होनी चाहिए, ठीक है, मल्टीपल। इसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना लूंगा कि अगर हमने एक लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज इंस्टॉल करनी है, कोई एक प्रॉपर लैंग्वेज इंस्टॉल करनी है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम में, तो वो किस तरीके से करेंगे, राइट। इसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यू कमेंट, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेट सपोज मेरे पास रैंडमली एक पैराग्राफ है, राइट, और मैं इसमें से कोई एक, अब लेट सपोज आपने एक रिपोर्ट बनाई है, ठीक है, और रिपोर्ट बनाने के बाद आप इसको अपने टीचर को सेंड करते हैं कि आप इसको रिव्यू कर लें, इसको देख लें, और वो कहते हैं जनाब इसमें ये वाला पैराग्राफ नहीं होना चाहिए था, तो वही इसको सिलेक्ट करेगा और यहाँ से न्यू कमेंट पे आ जाएगा और यहाँ लिख देगा कि स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, रिमूव दिस पैराग्राफ, ठीक है। तो आपको इससे क्या पता चल रहा है कि आपसे, आपने इस पैराग्राफ को रिमूव करना है। अब देखें इसमें मुख्तलिफ लेआउट्स हैं, अगर आप ये चाहते हैं यहाँ पे देखें, लेट सपोज मैंने एक दूसरा कमेंट इस पे लगाया हुआ के आल्सो रिमूव दिस, राइट, तो अगर आप नेक्स्ट करते हैं तो सी दिस, ये आपको नेक्स्ट और प्रीवियस पे बताएगा। नेक्स्ट करें तो ये वाला बता रहा है, प्रीवियस पे करें तो देखें ये वाला कमेंट हाईलाइट करके आपको बता रहा है। इसी तरह आप डिलीट भी कर सकते हैं,
डिलीट करें तो ये देखिए हमारा कमेंट डिलीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके तमाम तरह लगे हुए कमेंट्स डिलीट हो जाएं, आप यहाँ से सिंपल डिलीट ऑल कमेंट्स करें, सारे के सारे कमेंट्स डिलीट हो जाएंगे। ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे मार्कअप्स हैं, अगर आप कहते हैं कि कोई मार्कअप शो ना हो यहाँ पे, कुछ भी शो ना हो, तो देखें आप पता नहीं चल रहा कि कॉमेंट लगे हैं। अब अगर आपने देखना हो तो यहाँ से रिव्यूइंग पैन पे क्लिक करें, आपको नजर आएगा, क्लिक करें, देखें आपको प्रॉपरली बता रहा है कि आपके कौन कौन से वर्ड के ऊपर, कौन कौन से पैराग्राफ के ऊपर आपके कॉमेंट्स पुट हुए हैं, राइट। इसी तरह हमारे पास यहाँ से नेक्स्ट प्रीवियस आप करके देख सकते हैं कि मेरा प्रीवियस कमेंट कौन सा है, नेक्स्ट कमेंट कौन सा है, राइट। आई होप सो यू ऑल गॉट इट। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको ट्रैक चेंजेस डिटेल से समझाऊंगा कि ट्रैक चेंजेस क्या है और ट्रैक चेंजेस किस तरीके से काम करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ट्रैक चेंजेस के साथ मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।